गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम योर साइंस टीचर। एंड डियर स्टूडेंट, एज यू नो टूडे इज अवर टर्न इज साइंस बुक, सो लेट्स सी व्हाट इज वी स्टडी इन अवर साइंस बुक। डियर स्टूडेंट, पिछले हम वीडियो में हमने हमारा जो सेकंड चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड वो स्टडी किया था। उसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे, जंक फूड पढ़े थे। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, देखिए क्या है, विटामिन। आज हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है और विटामिन के द्वारा हमें क्या क्या फायदे हैं वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, विटामिन्स आर न्यूट्रिएंट्स फॉर अवर बॉडी नीड्स टू फंक्शन एंड फाइट विद डिजीज। विटामिन्स वे न्यूट्रिशंस होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती, क्यों, ताकि वो बीमारियों से लड़ सके और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हम कार्य करते हैं डेली बेसिस में जो कार्य करते हैं वो काम अच्छे से कर सके, इसलिए हमें विटामिन्स की जरूरत होती है। द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस विटामिन्स इटसेल्फ, सो वन मस्ट गेट देम थ्रू फूड वन ईट्स और वन और इन सम केसेस इन सप्लीमेंट्स। और हमारी बॉडी जो विटामिन का प्रोडक्शन खुद नहीं कर पाती, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनका प्रोडक्शन हमारी बॉडी खुद करती है, लेकिन विटामिन का प्रोडक्शन हमारी बॉडी खुद नहीं करती। तो इसके लिए क्या, इसके लिए हमें जरूरी होता है कि ऐसे फूड लें जिनसे हमें विटामिन मिल सके, या फिर ऐसे सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट्स का मीन होता है पाउडर लाइक स्ट्रक्चर या जिसे हम टैबलेट्स बोल सकते हैं, उन टैबलेट्स को लें जिनके द्वारा हमें विटामिन मिल सके। वो कब ली जाती है, जब हमें फूड के द्वारा विटामिन अच्छे से हम कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, उस सिचुएशन में हमें क्या लेना होता है, सप्लीमेंट्स लेने होते हैं ताकि हम विटामिन की पूर्ति कर सकें। देर आर 13 विटामिन दैट आर एसेंशियल फॉर अवर बॉडी सो दैट इट कैन वर्क वेल। और हमारी जो विटामिन होते हैं वो कितने होते हैं, वो लगभग 13 विटामिन होते हैं हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी। होने को तो विटामिन बहुत सारे होते हैं, लेकिन 13 विटामिन ऐसे होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत है ताकि हम अच्छे से कार्य कर सकें। नॉलेज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन एंड अंडरस्टैंडिंग द पर्पज ऑफ दीज विटामिन इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। और इन विटामिन का नॉलेज होना और समझना कि इनका हमारी बॉडी के अंदर क्या काम है वो हमारी गुड हेल्थ के लिए अच्छा है। यदि हमें हमारी अच्छी हेल्थ चाहिए तो हमें इन विटामिन का नॉलेज होना चाहिए और इन विटामिन का हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल है वो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, टाइप्स एंड एग्जांपल्स ऑफ विटामिन, अभी हम क्या समझेंगे, अभी हम विटामिन का रोल और विटामिन हमें किन से मिल सकता है वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब हमारे बॉडी में जो है टू टाइप्स के कह सकते हैं विटामिन प्रेजेंट होते हैं, दो तरीके के विटामिन हम मोस्टली लेते हैं। फर्स्ट लेते हैं विटामिन दैट इज फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल यानी कि जो आप घी तेल खाते हैं इनके अंदर जो विटामिन प्रेजेंट होता है, जो बहुत कम मात्रा में विटामिन प्रेजेंट होता है उसे फैट सोल्यूबल विटामिन कहा जाता है। और वाटर सोल्यूबल यानी घुलनशील, जो आप खाना खाते हैं जैसे आप दाल सब्जियां खाते हैं इनके अंदर जो विटामिन होता है जो पानी में घुलनशील होता है उसको वाटर सोल्यूबल विटामिन कहा जाता है। फैट सोल्यूबल विटामिन आर स्टोर्ड इन द फैट सेल, कॉन्सिक्वेंटली रिक्वायरिंग फैट इन ऑर्डर टू बी अब्जॉर्ब। वाटर सोल्यूबल विटामिन नीड टू बी रिप्लेन्स्ड डेली। अब फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं हमारी फैट सेल जो होती है, वसा सेल्स होती हैं, उनके अंदर स्टोर रहता है और हमें उनकी जब जरूरत होती है उस समय वो हमें मिल जाते हैं, हमारी बॉडी के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो हमें डेली जो हम भोजन खाते हैं उसके अंदर हमें लेने पड़ते हैं। अब देखिए, फर्स्ट है हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन। देखिए, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से और हमें किन से पा सकते हैं। तो फर्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन है विटामिन ए। ये इसके सोर्सेज क्या है, यानी किन सोर्सेज से हम विटामिन ए ले सकते हैं। येल्लो कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क, बटर, कैरेट, पपाया, एग योक्स। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया फैट सोल्यूबल, फैट में हमने क्या पढ़ा था, फैट में हमने लिक्विड राइस पढ़ा था जैसे घी आ गया, तेल आ गया। तो आपका बटर क्या है, ये क्या है, घी है, तो ये किस में आता है, ये फैट्स में आता है, इसीलिए इसको मिल्क, मिल्क के अंदर कैल्शियम होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ ये क्या है, फैट सोल्यूबल है, इसको विटामिन में कन्वर्ट किया गया बोला जाता है। जितने भी आपकी पीली सब्जियां हैं, पीले फ्रूट है, उनके अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। आपकी कैरेट है जो अपनी आंखों के लिए अच्छे होते हैं, उनके लिए क्या होता है, उनमें विटामिन ए पाया जाता है। एग योक, जो अंडे का जो अंदर का येलो भाग है जिसे हम अंडे की जर्दी बोलते हैं, उसके अंदर भी विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट अपना विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है, देखिए, फोर्टिफाइड मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, सीरियल्स, सनशाइन, फिश लिवर ऑयल, एग्स। अब देखिए, फोर्टिफाइड मिल्क यानी कि जो दूध से बनने वाले प्रोड्यूस है, फोर्टिफाइड मिल्क वो होता है जैसे दूध से हम दही बनाते हैं, बटर मिल्क बनाते हैं, वो क्या होता है, वो फोर्टिफाइड मिल्क होता है। डेयरी प्रोडक्ट यानी डेयरी जैसे पनीर है आपका चीज़ है, ये क्या होते हैं, ये डेयरी प्रोडक्ट होते हैं।
सीरल्स अनाज है, शनसाई जो सूरज की धूप होती है, फिश लीवर ऑयल, लीवर ऑयल मीन्स जो मछली का तेल होता है उसको लीवर ऑयल कहा जाता है, एग्स अंडे, इनके अंदर क्या पाया जाता है, इनके अंदर विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट आप विटामिन ई, फोर्टिफाइड सीरल्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल, सीड्स, नट्स, फोर्टिफाइड सीरल्स यानी कि जो हम अनाज खाते हैं उनके बाद में जो हम उनसे अपन क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं उनको फोर्टिफाइड सीरल्स कहा जाता है। लीफी हरी पत्तेदार सब्जियां और बीज जैसे कि दालें वगैरह, इनके अंदर भी क्या पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन के, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी पत्ते, गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि आपका स्पिनच है और आपका स्पिनच, कोरिएंडर एंड मिंट, ये क्या है, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, इनके अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन के। टर्निप, सलजम, बीट यानी कि चुकंदर, केबेज, स्पिनच, क्यूमिन, सोयाबीन, टमाटो, इनके अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी पानी के अंदर जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो देखिए। विटामिन बी, विटामिन बी देखिए, ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, डेयरी प्रोडक्ट, फिश, पोल्ट्री, होल ग्रेन्स, लीफी वेजिटेबल्स, मीट्स, सोयाबीन और फ्रूट्स, ग्रेन्स हैं, अनाजों के अंदर, नट्स के अंदर, सीड्स के, डेयरी प्रोडक्ट हैं, दूध वगैरह इनके अंदर, पोल्ट्री प्रोडक्ट यानी मुर्गियाँ जो होती हैं उनके अंदर भी क्या पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है। होल ग्रेन्स यानी संपूर्ण प्रकार के अनाज जैसे आपके बार्ले, मेल्ट, ये जो है सारे जितने भी ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है। आगे है अपना, आगे हमारा विटामिन सी, देख साइट्रस फ्रूट जूसेस, टमेटोज, लेमन, गुआवा, आंवला, देखिए बच्चों विटामिन सी इसका सीधा सा मतलब जितने भी खट्टे फल हैं, चाहे आपके टमेटो, लेमन, गुआवा, जितने भी खट्टे फल हैं उन सब में क्या पाया जाता है, ऑरेंजेस, इन सब में साइट्रस एसिड पाया जाता है या फिर हम कह सकते हैं विटामिन सी पाया जाता है। आगे देखिए, अब देखिए हमने क्या पढ़े थे, हमने पढ़े थे विटामिन्स और वो सोर्सेज उनके कहाँ से मिलते हैं वो हमने पढ़ा था। अब देखिए टेबल, विटामिन्स एंड देयर फंक्शन इन दी बॉडी, अब विटामिन्स के सोर्सेज हमने पढ़े, अब विटामिन्स क्या होते हैं और इनके हमारी बॉडी के अंदर क्या काम होते हैं, क्या कार्य विटामिन्स करते हैं वो देखिए। विटामिन ए, विटामिन ए का हम सोर्स पढ़ चुके हैं, अब इसका काम देखिए क्या काम करता है, पर्पज उद्देश्य देखिए, प्रोडक्शन ऑफ रेटिनल फ्लूड यानी हमारी आँख के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसको कौन बनाता है, विटामिन ए, इम्पोर्टेंट फॉर टीथ, बोन्स, स्किन डेवलपमेंट एंड हेल्थी इम्यून सिस्टम, और उसके अलावा विटामिन ए हमारे दांतों को, हमारी हड्डियों को और हमारी स्किन के डेवलपमेंट में भी काम करता है, और इसके अलावा हमारा एक अच्छा इम्यून सिस्टम हो यानी बीमारियों से लड़ने की अच्छी कैपेसिटी हमारे अंदर बनती है तो वो भी विटामिन ए की हेल्प से बनती है, विटामिन ए से बनती है। नेक्स्ट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देखिए, फॉर मेकिंग रेड ब्लड सेल्स, फॉर हेल्थी नर्व एंड ब्रेन फंक्शन, इंटेस्टाइनल हेल्थ एंड फॉर हार्ट हेल्थनेस, अब विटामिन बी क्या करता है, हमारी जो रेड ब्लड, लाल रुधिर कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स उनको बनाता है, और हमारे माइंड, नर्व यानी श्वसन तंत्र, ब्रेन जो हमारा माइंड जो है उसको अच्छे से फंक्शन करने में हेल्प करता है, इंटेस्टाइनल यानी हमारी जो इंटेस्टाइन्स होते हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, और इसके अलावा हमारी जो बीमारियां होती, दिल जो हमारा होता है उनको अच्छे से काम करने में हेल्प करता है। विटामिन सी जिसके सोर्सेज क्या आते हैं, खट्टे फल एंड एंटीऑक्सीडेंट, इट हेल्प अस टू प्रिवेंट सेल डैमेज एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ सर्टन कैंसर, हार्ट डिजीज एंड अदर डिजीज, अब विटामिन सी जो होता है एक एंटीऑक्सीडेंट होता है यानी कि बीमारियों से लड़ने वाला एक ऐसा जिसे हम बोल सकते हैं प्रतिजन होता है जो क्या करता है, जितने भी सेल डैमेज होते हैं हमारी बॉडी जो है खूब सारी सेल से बनी होती है, इन सेल्स के डैमेज होने में, सेल कम से कम डैमेज हो इनमें हेल्प करता है, और खूब सारी बीमारियां जैसे कि कैंसर है, दिल की बीमारी और भी बड़ी बीमारियां हैं उनके खतरे को काफ़ी कम कर देता है। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू वाउंड हीलिंग कॉमन कोल्ड एंड रेमेडी ऑफ स्कर्वी, और स्कर्वी बीमारी जो होती है उसके लिए भी एक दवाई के जैसे काम करता है, रेमेडी का मीन होता है एक दवाई, यानी कि विटामिन सी का अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे अंदर स्कर्वी जो क्या होता है, रात को दिखाई नहीं देने वाली प्रॉब्लम है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको रात को दिखाई, जो स्कर्वी जो रोग होता है उसके लिए एक दवाई के रूप में काम आता है, और उसके अलावा हमारे जो चोट लग जाती है तो उनके हीलिंग, उनकी भरपाई में भी विटामिन सी अच्छा योगदान देता है। आगे है विटामिन डी, विटामिन डी क्या होता है वो देखिए, सॉरी विटामिन डी का हमारी बॉडी में क्या पर्पज है, क्या काम है वो देखिए, इट हेल्प अस द बॉडी टू अब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस विच एड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस के अब्जॉर्बेशन में
विटामिन डी क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम और फॉस्फोरस जो हम खाना खाते हैं तो अब्जॉर्ब करते हैं, तो उसके अब्जॉर्प्शन में अब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है। और जैसा कि आप जानते हो कैल्शियम और फॉस्फोरस से क्या बनते हैं, हमारी बोन्स और हड्डियाँ बनती हैं। यदि हम कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो हमारी बोन्स और हड्डी कैसे बनेंगे। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस के अवशोषण में विटामिन डी हेल्प करता है। विटामिन ई प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए। विटामिन ई जो है विटामिन ए की हमारी बॉडी से बाहर ना जाए, यानी विटामिन ए के जितने भी हम खाना खाते हैं, जितने भी प्रोडक्ट हम लेते हैं, वो हमारी बॉडी से वापस बाहर ना निकल जाए, इसके लिए हमें बचाता है। विटामिन के इट हेल्पस इन ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म ड्यूरिंग इंजरी। विटामिन के का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या है, जब हमें चोट लग जाती है तो उस दौरान जो ब्लड का क्लॉटिंग होता है यानी खून का जमाव जो होता है उसमें हेल्प करता है। आगे देखिए, तो देखिए बच्चों आपको एक वर्क दिया जा रहा है, वो देखिए। टेस्ट डिफरेंट फूड आइटम्स गिवन इन द टेबल, यू मे ऐड योर ओन एग्जांपल्स, फाइंड आउट द डिफरेंस कंपोनेंट इन देम एंड रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ कुछ फूड पार्टिकल्स आपको दिए गए हैं, इन फूड पार्टिकल्स के आपको स्टडी करने के बाद में आपको पता लगाना है, जैसे राइस है, राइस के अंदर स्टार्च एब्सेंट है या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स, फैट, ये जो आपको तीन टेबल्स दी गई, इन तीनों टेबल्स में आपको बताना है। राइस, पोटैटो, मिल्क, कर्ड, इनके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है तो आप प्रेजेंट लिखोगे, यदि एब्सेंट है तो आप एब्सेंट लिखोगे, या फिर आप कह सकते हैं क्रॉस या टिक्का करेक्ट लगा सकते हो, साइन लगा सकते हो। जहां प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है वहां प्रोटीन का साइन लगा सकते हो। जो फूड पार्टिकल के अंदर ये टेबल आपको करनी है, जैसे कि मैंने भी आपको समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं, वो किससे करने हैं, अभी मैंने आपको जो मैटर पढ़ाया है उसी से ये बिलोंग करने वाले क्वेश्चन है। विच फूड्स शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अभी आपने जो टेबल की, इस टेबल के बेसिस पे आपको इसको करना है, तो किस फूड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। What nutrition are present in milk? Milk के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन प्रेजेंट, जैसे स्टार्च, प्रोटीन, फैट्स, आपको इस टेबल के बेसिस पे इन क्वेश्चन के आंसर देने। आगे देखिए, Which component of food could you identify in potatoes? और potato के अंदर कौन सा component present होता है? Which food item contains more fat? और किस contents यानी किस food item, जैसे हमारे पास चार food item थे, उनमें से चारों में से किसके अंदर सबसे ज्यादा fat present है? Which food items contain more protein? और कौन से food item के अंदर सबसे ज्यादा protein पाया जाता है? अब हम हमारा next topic करेंगे vitamins के बाद में हम करेंगे minerals। देखिए क्या होते हैं minerals? मिनरल्स आर रिक्वायर्ड बाई अवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटी। मिनरल्स की हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी कम मात्रा में जरूरत होती है। जस्ट लाइक विटामिन, मिनरल्स हेल्प अस अवर बॉडी टू ग्रो, डेवलप एंड स्टे हेल्थी। जैसा कि विटामिन का क्या काम है, विटामिन का काम क्या है, हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी को ग्रो करवाना, डेवलप और स्वस्थ रखने में, ठीक वही काम कौन करता है, मिनरल्स। मिनरल्स और विटामिन दोनों सेम ही कॉज करते हैं। The body uses minerals to perform many different functions, from building strong bones to transmitting nerve impulses। और minerals क्या करते हैं, minerals हमारी body में खूब सारे काम करते हैं, जैसे हमारी body को मजबूत बनाना और transmitting nerve impulses। और क्या करता है मिनरल्स, मिनरल्स जो काम हमारी बॉडी के अंदर विटामिन्स करता है, सेम वही काम कौन करता है, मिनरल्स। जैसे बॉडी को हम फंक्शंस के लिए तैयार करना, यानी कार्य करने के लिए तैयार करना, बॉडी को मजबूत बनाना, हड्डियों को मजबूत बनाना, और नर्व इम्पल्सेस यानी हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसको मजबूत बनाता है, उसको पोषण प्रदान करता है। सम मिनरल्स आर इवन यूज टू मेक हार्मोन्स और मेंटेन एन हार्मोनल हार्ट बीट। और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनका हार्मोन्स को मेंटेन करने में, हमारी बॉडी के अंदर बच्चों खूब सारे हार्मोन्स बनते हैं, उनको मेंटेन करने का काम कौन करता है, मिनरल्स करता है। उसके अलावा हमारी जो नॉर्मल हृदय गति, हार्ट बीट जो है उसको नॉर्मल रखने में भी कौन मदद करता है, मिनरल्स करते हैं। द नंबर ऑफ मिनरल्स दैट आर फाउंड इन अवर बॉडी आर नियरली 24, बट द मेन मिनरल्स आर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, कॉपर, पोटेशियम एक्सेट्रा। वैसे तो मिनरल्स की क्वांटिटी कितनी होती है, लगभग हमारी बॉडी के अंदर कितने होते हैं, 24 से भी ज़्यादा हमारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो कौन से हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर, पोटेशियम एक्सेट्रा। ये हमारी बॉडी के अंदर मेन मिनरल्स होते हैं जो अपना मेन वर्क करते हैं। देखिए मिनरल्स में फर्स्ट क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम के सोर्सेज क्या होते हैं, हम किन से कैल्शियम ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, चीज़ एंड योगर्ट। डेयरी यानी दूध के प्रोडक्ट जो होते हैं उनसे हम कैल्शियम ले सकते हैं, योगर्ट, चीज़ जो किससे बना होता है, दूध से बना होता है, योगर्ट यानी कि
दही, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स सच एज ब्रोकली, ऑरेंज जूस, और लीफी यानी हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे ब्रोकली या ऑरेंज जूस, इनसे हम क्या ले सकते हैं, इनसे हम कैल्शियम ले सकते हैं। नेक्स्ट आयरन, ये भी क्या है, एक मिनरल है। मीट, बीफ, एग्स, बीन्स, डेरी, ड्राई फ्रूट्स, बैग्ड पटेटो, व्हीट एंड ओट्स। और हमें आयरन किन से ले सकते हैं, मीट से ले सकते हैं, बीफ से ले सकते हैं, एग से ले सकते हैं, एग से, बीन्स, बीन्स यानी आपकी फलियां, उसके अलावा ड्राई फ्रूट से, बैक्ड यानी उबले हुए आलू से, गेहूं से और ओट से। इनसे हमें, ओट क्या होता है, जई, इनसे हमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है, पोटेशियम। बनाना, टमेटोज, पटेटोज, साइट्रस फ्रूट, लो फैट मिल्क एंड योगर्ट, बीन्स एंड लेंटिल्स। अब पोटेशियम हमें किन से मिलता है, पोटेशियम हमें केले से मिलता है, टमाटो से मिलता है, पटेटो से, खट्टे फलों से, लो फैट मिल्क यानी जिनके अंदर फैट, ऐसा दूध जिसके अंदर फैट काफी कम मात्रा में पाया जाता है तो उसको लो फैट मिल्क कहा जाता है। उनसे, योगर्ट, दही से, बीन्स से और लेंटिल्स, दालों से हमें क्या मिलता है, पोटेशियम मिलता है। नेक्स्ट हमारा जिंक, बीफ, पोर्क, डार्क मीट, नट्स, बीन्स। अब देखिए बच्चों, बीफ, पोर्क, डार्क मीट ये सब क्या होता है, ये नॉन वेज होता है जिसे हम कह सकते हैं। इनसे हमें क्या मिलता है, जिंक। नट्स और बीन्स, इनसे हम क्या पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। आयोडीन, आयोडीन से मिलने वाले सोर्सेज देखिए, वेजिटेबल्स, सी फूड एंड आयोडाइज्ड साल्ट। सी फूड यानी कि जो समझ, जैसे मछलियां हैं, झींगा है, प्रॉन है, ये सब कौन होते हैं, सी फूड होते हैं, इनके द्वारा हमें आयोडीन मिलता है। या फिर नमक, नमक से भी हमें क्या मिलता है, आयोडीन, जो एक मिनरल होता है वो हम ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉस्फोरस, फास्फोरस देखिए, फास्फोरस के सोर्सेज देखिए, मिल्क, मीट, एग्स, फिश, पल्सेस, वेजिटेबल, इनसे आप अच्छे से जानते हो, ये सब हमें किन से मिल, इन सब से हमें क्या मिलता है, फास्फोरस। अब देखिए बेनिफिट्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के बेनिफिट, फायदे देखिए। कैल्शियम, कैल्शियम के क्या फायदे हैं वो देखिए, ब्लड क्लोटिंग, खून के जमने, जब चोट लग जाती है तो खून रुकता नहीं है, तो खून को रोकने में कौन हेल्प करता है, कैल्शियम। स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ, दांतों और हड्डियों की मजबूती में कौन काम में आता है, कैल्शियम। मसल्स कॉन्ट्रेक्शन यानी मांसपेशी के खिंचाव में, हमारी मसल्स जब तन जाती है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो नसें जो आपस में खिंच जाती हैं, तो उनके कॉन्ट्रेक्शन में कौन हेल्प करता है, उनको खिंचाव में, उनको कंट्रोल कौन करता है, कैल्शियम, यानी उनको खिंचाव को रोकता है। फिर नेक्स्ट है फॉस्फोरस। स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ, वही सेम प्रोसीजर हमारी हड्डियों और हमारे दांतों को मजबूत बनाता है। एटीपी प्रोडक्शन ड्यूरिंग सर्कुलर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, एटीपी हमारी एक एनर्जी होता है, डीएपी और एटीपी हमारी एनर्जी होती है, इनमें एटीपी के प्रोडक्शन में क्या होता है, ये फास्फोरस हेल्प करता है। रेस्पिरेशन के दौरान जो एटीपी बनती है, एनर्जी बनती है, उसको कौन प्रोडक्शन करता है, फास्फोरस। आगे देखिए, देखिए आयरन, ये अभी हमने पढ़ा था, आयरन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन जो हमारे किसमें पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका, उनमें पाया जाता है, तो इनके फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, आयरन। नेक्स्ट आयोडीन, फॉर नॉर्मल बॉडी ग्रोथ, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, जो हमारी कान गले में प्रेजेंट होती है, उनके फंक्शन के लिए, और हमारी जो नॉर्मल बॉडी की ग्रोथ होती है, लंबाई जो होती है, वो किससे होती है, वो आयोडीन के द्वारा होती है। आगे सोडियम, टू कैरी नर्व इम्पल्सेज यानी, तो सोडियम देखिए, टू कैरी नर्व इम्पल्सेज, टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ फ्लूड्स इन द बॉडी, हमारी जो तंत्रिका तंत्र है, हमारी जो तंत्रिका तंत्र है, उसके आवेग को रोकता है, और उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूड बनते हैं, जो रस बनता है खाने से, जो फ्लूड बनता है, उसको बाहर जाने में कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारा पोटेशियम, टू कैरी नर्व इम्पल्सेज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, यानी कि जो अभी हमने किया था, यानी कि हमारे तंत्रिका तंत्र के जो आवेग उनको रोकता है और नई सेल को बनने में मदद करता है। तो देखिए बच्चों, आज आपको क्या वर्क करना है, आज आपको ये आयरन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, इनका जो सोर्सेज है, या फिर इनके जो हम बोल सकते हैं फंक्शन, वो करने हैं। मिनरल्स के क्या सोर्सेज हैं वो आपको करना है, फिर बेनिफिट ऑफ मिनरल्स, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था, ये टेबल आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से बनानी है, और उसके अलावा आपको विटामिन्स के फंक्शन इन दी बॉडी, यानी विटामिन के फंक्शन क्या होते हैं, ये टेबल अच्छे से बनानी है। ये जो मैंने अभी आपको एक्टिविटी टाइम दिया था, ये आपको नोटबुक में एज ए होमवर्क करना है। डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड माई वीडियो वेरी वेल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो, एंड like this video. If you like, then you comment. If you have any problem, you can comment in comment box, and thank you for watching this wonderful video. Have a great day.